नमस्कार, मेरे पीछे आपको खेत खलिहान धान की बोरियां लेते हुए कुछ लोग ले जाते हुए कुछ लोग दिखेंगे। दरअसल ग्रामीण परिवेश से गुजर रहा हूं, चुनावी दौरा है, बिहार में चल रहा है। इसी बीच चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बात होनी है, हमारे साथ थोड़ी देर में सरदाना सर, विजय सरदाना सर जुड़ेंगे, तो उनसे हम बात करेंगे कि भाई क्या वास्तव में बीजेपी फंस रही है। ऐसा लगा तो था, लेकिन पिछले 24 सालों से विपक्ष के नाम पर कुछ पत्रकार, चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो, रवीश कुमार हो, या फिर अलग अलग पत्रकार लगातार नरेंद्र मोदी से लड़ रहे हैं। पार्टियां तो लड़ ही रही है, लेकिन ये पत्रकार भी लड़ रहे हैं। इनको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ऐसा लगा कुबेर का खजाना मिल गया, ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है। किंतु नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है या नहीं, ये बात आप तय नहीं करेंगे, ये बात भारत की जनता तय करेगी। मूल प्रश्न पूछेगी, पहला प्रश्न ये कि नरेंद्र मोदी आखिर भ्रष्टाचार करेंगे तो किसके लिए? पार्टी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए? परिवार के नाम पर तो आज तक उन्होंने किसी को कुछ दिया नहीं, ना तो वो M.K. स्टालिन की तरह, करुणानिधि स्टालिन की तरह, आप तो समझ ही रहे, या उदयनिधि स्टालिन की तरह परिवारवादी पार्टी है, ना तो वो RJD में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव को स्टेबल बनाना है वैसी कोई जिम्मेदारी है, ना ही अखिलेश यादव है, ना ही मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव ऐसी कोई पार्टी है, ना ही ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी जैसी बात है। लेकिन जैसे ही चंदे का भेद खुलना शुरू हुआ तो पता चला कि भारतीय जनता पार्टी को 11,500 करोड़ का चंदा मिला, और एकमात्र स्टेट की पार्टी M.K. स्टालिन की पार्टी को 350 करोड़ के ऊपर का, लगभग 800-900 करोड़ का चंदा तो तृणमूल कांग्रेस को भी मिला एक स्टेट भर में ही। अब आप देखिए कि बीजेपी की एक सेंट्रल लीडरशिप है और इसके अलावे 17 स्टेट यूनिट, इन सब को मिला के 11,500 करोड़ का है, और 800-900 करोड़ तो अकेले तृणमूल कांग्रेस को है। तो जो एलिगेशन बीजेपी पे लगाए जा रहे हैं, वही एलिगेशन तो तृणमूल कांग्रेस, स्टालिन, कांग्रेस, अच्छा कांग्रेस से याद है कि पाकिस्तान से भी कुछ लोगों को पैसा मिला है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि किस पार्टी को किस किस ने चंदा दिया, यह भी थोड़ा सा बता दिया जाए। मैं बता रहा हूं, यह रफेल Part 2 साबित होगा, क्योंकि ये लोग सब मिलकर के ये साबित करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी भ्रष्ट है, और वास्तविकता यही है कि नरेंद्र मोदी कम से कम भ्रष्ट नहीं है, आप भ्रष्ट हैं, आपके अंदर भ्रष्टाचार घुसा हुआ है। और राजनीतिक दलों को चंदा कोई आज से नहीं, उसमें तो इनकम टैक्स का रिबेट है कि राजनीतिक दल को कोई चंदा देता है तो इनकम टैक्स में छूट मिलती है, और यह संविधान में निहित है, मगर फिर भी बीजेपी के विरुद्ध एक मैसेज क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है अलग अलग रविशिया टाइप के पत्रकारों में। होता है, कोई नई बात नहीं है, हर बार चुनाव होता है तो इस प्रकार के एलिगेशन लगते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी करप्ट है ये इस देश की जनता कभी मानेगी नहीं, क्योंकि वो करप्ट है ही नहीं। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ हैं विजय सरदाना सर एक बार फिर से, और आज का टॉपिक एक बार फिर से फाइनेंशियल इशू, और जहां पर फाइनेंस आता है, जहां पे मनी मैटर आता है, वहां सरदाना सर के अलावे कौन याद आता है अभिषेक को। तो अब इस बार है भाई चुनावी बॉन्ड, जिसको अंग्रेजी में कुछ लोग इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं। नहीं, रवीश को अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन मुझे भी ठीक ठाक उतनी तो नहीं आती जितनी रवीश को आती है, बट ठीक है। लेकिन समस्या यह है कि विजय सर, कुछ लोगों को लगता है कि सर ये बॉन्ड लेकर के बीजेपी ने स्कैम किया है। बीजेपी एक बार फिर से अंबानी अडानी की सरकार है, लेकिन जब आंकड़े SBI ने दिए तो पता चला कि भाई कांग्रेस भी ले रही है पैसे, तो तृणमूल कांग्रेस ने भी लिए। सर, ये स्कैम कैसे है, या फिर ये मीडिया के द्वारा, कुछ फर्जी लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा झूठा स्कैम है, क्या है इलेक्टोर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए डीप में जाकर के हमारे दर्शकों के लिए।
अभिषेक जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहां तक बात है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसमें दो चीजें अलग है। सबसे पहले तो ये भारत सरकार का एक पॉलिसी था कि जिसको भी आज से पहले हम क्या बात कर रहे थे 2015 से पहले कि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी इलेक्शन में बहुत चलता है, पता नहीं कौन किसको क्या दे रहा है। अगर कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि आज तक जिन्होंने चुनाव लड़े और कांग्रेस की फैक्ट्रियां चल रही थी उनमें प्रॉफिट होता था उससे वो चुनाव लड़ते थे तो बात अलग है। अदरवाइज आज तक कांग्रेस के जितने खर्चे होते थे या पार्टी के खर्चे होते थे वो कौन पैसा देता था? कॉमन सेंस की बात है कि भाई किसी ना किसी सोर्स से आप पैसा इकट्ठा करते थे और यही आरोप लगते थे भ्रष्टाचार के। मोदी सरकार ने जब चुनाव के बाद सत्ता में आए तो उन्होंने कहा कम से कम इसकी हम सफाई करेंगे, तो उन्होंने एक प्रोसेस ये बना दिया कि जिसको भी चंदा देना है वो बैंक के माध्यम से दे ताकि पता रहे कि कितना पैसा आया, किसको कितना मिला। आज जो हम बोलते हैं कि बीजेपी को इतना मिला, अपोजिशन को इतना मिला, आप 14 से पहले बता दीजिए कि कांग्रेस को कितना मिला और बीजेपी को कितना मिला, कितना परसेंट किसको मिला, इसका कोई आंकड़ा है? कुछ भी नहीं है। तो कम से कम एक ट्रांसपेरेंसी आई है। अब सवाल इस बात का है कि आपको लग सकता है कि सिस्टम परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो परफेक्ट है? क्योंकि हर सिस्टम के अंदर कुछ ना कुछ कमियां, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, और यहां तक कि कोर्ट के जजमेंट भी परफेक्ट नहीं होते। अगर परफेक्ट होता तो लोअर कोर्ट का या ट्रायल कोर्ट का जजमेंट हाईकोर्ट में क्यों चैलेंज होता, और अगर हाईकोर्ट ही परफेक्ट होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज होता? इसका मतलब जो जजेस हैं हाईकोर्ट में बैठे हुए वही परफेक्ट नहीं है तो अपने आप को न्याय की बात करते हैं कि हम न्याय करेंगे और न्याय ही चैलेंज हो जाता हो। हाँ, तो अगर हम परफेक्शन की बात कर रहे हैं तो परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, पहली बात। दूसरा, जिसको भी अब जो बात कह रहे हैं लोग कि साहब अडानी अंबानी की सरकार है, अब मुझे ये बताइए कि साहब हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से एक आदमी के खाते में एक वोट है। अब ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि किसी व्यापारी का अगर टर्नओवर 1,00,000 करोड़ होगा तो उसको 1,00,000 वोट के बराबर उसका वोट माना जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ। बिल्कुल नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सरकार सत्ता में आती है, पहले कांग्रेस आती थी, अब बीजेपी आ रही है, किसी राज्य में किसी और की सरकार है, तो ये तो वहां की जनता चुनती है, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट तो चुनते नहीं। अब कुल मिला के बात ये आती है कि साहब चुनाव में खर्चा होता है, तो खर्चा जो चंदा दिया जाता है उससे चुनाव प्रभावित होता है। भाई एक बात बता दीजिए ना मेरे को सर, कि इतने बहुत सारे गरीब प्रतिद्वंदी भी तो चुनाव जीत के आए हैं। जीत के आए हैं, इसका मतलब उनकी नियत अच्छी थी, लोगों ने उनके काम करने की शैली को समझा, उन पे भरोसा किया, उनको वोट दिया, उनको संसद में या विधानसभा में पहुंचाया। अब अगर आप ये कहते हो कि क्योंकि हमारी नियत नहीं है, हमारी इमेज खराब है, तो उसको कवर करने के लिए हमको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, तो एक आर्ग्यूमेंट अलग हो सकता है। तो ये कहना कि अडानी अंबानी की सरकार है तो फिर कांग्रेस के टाइम पे तो फिर ये बोलना चाहिए टाटा बिरला की सरकार है, मतलब अगर आपको हर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को सत्तारूढ़ दल से जोड़ना है तो फिर तो बहुत आसान है। 14 से पहले टाटा बिरला की सरकार थी या मोदी गोयनका की सरकार थी, आप कोई भी दो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ले लो और चिपका दो उसको सरकार के साथ, बहुत आसान है। तो नहीं, ये तो देखिए पॉलिटिकल आर्ग्यूमेंट है, ये चलते रहेंगे। नहीं ठीक है, उसको खत्म करते हैं। मीडिया का इतना मेल्टडाउन क्योंकि मोदी ने स्कैम किया, मोदी ने स्कैम किया, ये चुनावी बॉन्ड के बहाने, अब वो सीए लेके आएंगे लेकिन तुम चुनावी बॉन्ड पे अटके रहना। तो मैं ये आपसे समझना चाहता हूँ, तकलीफ किस बात की है कि अंबानी अडानी ने कि कांग्रेस को पैसा नहीं दिया या फिर टीएमसी को पैसा दिया? वैसे तो जहां जहां इन्वेस्टमेंट है अब तो पता चल रहा है जो आंकड़े हैं कि टीएमसी को भी सिर्फ पिछले चुनावी वर्ष में 800 करोड़ के आसपास का बॉन्ड मिला है, कांग्रेस को भी मिला है। ऐसा कोई पार्टी नहीं है, जगनमोहन रेड्डी हो, डीएमके हो, सबको चुनावी, सबने चुनावी बॉन्ड के ही थ्रू पैसे लिए। तो ये सिर्फ स्पेसिफिक एलिगेशन मोदी सरकार पे क्यों है? देखिए क्या होता है ना कि ये दुनिया का उसूल बहुत सिंपल है, बस जिसका
जो जितना बड़ा नाम पॉपुलर होगा वो उतना आसानी से टारगेट बन जाएगा। सीधी सी बात, कभी भी आपने किसी न्यूज, टेक एग्जांपल, अगर कोई छोटी कंपनी गुनाह करती है और कोर्ट में उसको सजा होती है तो कभी आपने उसकी हेडलाइन देखी? किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को। लेकिन अगर बड़ी कंपनी के खिलाफ कोई अगर सुप्रीम कोर्ट में या उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो वो हेडलाइन बन जाती है, क्योंकि ये बहुत आसान होता है किसी भी चर्चित और विजिबल सिंबल को टारगेट करना। अब बीजेपी में मोदी को आप टारगेट करेंगे, कांग्रेस में आप किसको करेंगे? राहुल गांधी को। अगर आज बीजेपी, सीधी सी बात है ना, आज अगर कांग्रेस बीजेपी में टारगेट करती है तो किसको करती है? मोदी साहब को। और अगर बीजेपी टारगेट करती है कांग्रेस में तो किसको करती है? राहुल गांधी को, क्योंकि वो बड़ा चेहरा है। अगर राहुल गांधी बड़ा चेहरा नहीं होते तो वो टारगेट नहीं होते। ये तो सिंपल सा उसूल है। तो अगर आप ये कहें कि कांग्रेस में एक पार्टी वर्कर को टारगेट किया जाए, राहुल गांधी को नहीं किया जाए, तो ये तो इलॉजिकल जस्टिफिकेशन है ना। हमेशा बड़ा चेहरा ही टारगेट बनता है, और जो जितना बड़ा होता है उसको ऊपर पत्थर फेंकना उतना आसान भी होता है। तो ये बात तो बहुत सिंपल है। अब रही बात कि साहब स्कैम किया है, अब स्कैम की परिभाषा क्या है? सवाल इस बात का है कि अगर आप ये कहते हैं कि बीजेपी को ज्यादा पैसा मिला है और बाकियों को कम मिला है, अगर ये स्कैम है, ये तो देने वाले के ऊपर है। आज अगर मान लीजिए मेरे शहर में 10 या 20 मंदिर हैं, 10 या 20 धर्मशालाएं हैं, मैं हर जगह जाके चंदा थोड़ी देता हूं यार। जहां मेरी आस्था होती है मैं वहीं तो चंदा दूंगा, जहां मेरा जुड़ाव होगा मैं वहीं चंदा देता हूं, वहां पे मैं जाके कार सेवा भी करूंगा, वहां पे जाके मैं जूते भी साफ करूंगा। ये तो मेरी श्रद्धा के ऊपर है, इसके लिए आप कोई कानून तो बना नहीं सकते। इसी तरह से अगर लोगों ने बीजेपी को ज्यादा पैसे दिए हैं एज ए इलेक्टोरल बॉन्ड या पॉलिटिकल फंडिंग, व्हाटएवर यू कॉल इट, तो देने वाले को लगता है कि बीजेपी सक्षम पार्टी है, या देश के अंदर वो चाहते हैं कि बीजेपी सत्ता में रहे, या वो ये चाहते हैं कि एक पार्टी है जिसके पास लीडरशिप है, विजन है, उसको सपोर्ट करेंगे तो कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ऐसी पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करो। इसमें आप किसी को बांध थोड़ी सकते हो। और बहुत सारी संस्थाएं हैं, फॉर एग्जांपल आप टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, टाटा का ट्रस्ट, टाटा ट्रस्ट में उनका एक, मेरे ख्याल से पहले मैं एक बार पढ़ रहा था, 500-700 करोड़ रुपए कुछ उन्होंने इलेक्टोरल फंडिंग के लिए रखा हुआ है। और उनका एक फॉर्मूला है कि अगर आपके एक्स एमपी होंगे तो आपको इतना मिलेगा, वाई होंगे तो इतना मिलेगा, और आपके एक नहीं भी है तब भी आपको एक टोकन अमाउंट, जो भी उनका फॉर्मूला है, जिस आधार पर भी उन्होंने किसी जस्टिफिकेशन से बनाया होगा, वो दे रहे हैं। अब अगर आप उस लेवल पे नहीं आ रहे हैं, अगर लोगों की नजरों में आप क्रेडिबल नहीं हैं, तो भाई मैं क्यों फंडिंग करूंगा? सीधी सी बात है। तो इसमें कोई स्कैम का कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि ये देने वाले पे निर्भर करता है और लोग खुशी से देते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों को देखा है जो कहते हैं कि नहीं, हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो स्टेबल हो, जो पॉलिसी स्टेबिलिटी करे, करप्शन कंट्रोल करे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों ने बोला। अगर उनको लगता है कि भाई रूलिंग पार्टी काम कर रही है और करप्शन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रही है, सिस्टम स्मूथ हो रहे हैं, डिजिटाइजेशन हो रहा है, और ये प्रोसेस अगले 20-40 साल चलना चाहिए, और उसके अंदर वो अपना समर्थन करते हैं थ्रू इलेक्टोरल फंडिंग, इसमें स्कैम कहां से आ गया? भाई आप अपना विजन दिखा दीजिए, भाई जिसको एतराज है वो अपना विजन दिखा दे। नहीं, तो आपने बिल्कुल सही कहा, जो सर आपने मंदिर वाली बात कही बिल्कुल सही, कि ठीक है, लेकिन तकलीफ ये है कि भाई बीजेपी को 6500 करोड़ और टीएमसी को 900 करोड़ ही मिल रहे हैं, कांग्रेस को 1000-1200 करोड़ ही मिल रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि ये बेईमानी हो रही है। वो आपने जो मंदिर वाला लॉजिक दिया उसी हिसाब से, मैं खुद भी पटना के सिर्फ हनुमान मंदिर में चंदा देता हूँ, सभी मंदिरों में नहीं देता हूँ, तो लोकतंत्र के मंदिर में लग रहा है कि बीजेपी को ज्यादा चढ़ावा क्यों मिल रहा है, इस वजह से स्कैम कहा जा रहा है। किंतु अब इसमें एसबीआई को इन्वॉल्व करके, वैसे एसबीआई पिछले कई दिनों से टारगेट पर रही है, इसके पहले एलआईसी को लेकर के, इलेक्टोरल बॉन्ड का तो समझ में आता है, लेकिन एसबीआई भी इस स्कैम में इन्वॉल्व है, इस प्रकार की राजनीति से क्या लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं कि पॉलिटिकल
पार्टी के प्रवक्ताओं को या फिर जो मीडिया मैनेज कर रहे हैं आजकल यूट्यूबर्स, उनको कुछ बेनिफिट होने वाला है उससे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोगों को समझ नहीं आ रहा, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्कैम एक ऐसा शब्द है बोफोर्स के टाइम से कि आप स्कैम जोड़ दो तो जनता में एक एक्साइटमेंट हो जाता है, जनता का एक अटेंशन आ जाता है। और ये स्कैम शब्द क्या हो गया है, अब जरूरत से ज्यादा बार इस्तेमाल हो गया है। ये सबसे ज्यादा असर किया था बोफोर्स के टाइम पे। उसके बाद इस वर्ड की शेल्फ लाइफ और इंपैक्ट इंटेंसिटी कम होती जा रही है। अब सवाल यह है कि आपने पहली बार राफेल पे किया, फिर आपने किसी और मुद्दे पे किया, फिर अब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड पे किया। प्रॉब्लम यह है कि आप जब स्कैम बोल रहे हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं, पहली बात। दूसरी बात, SBI कैसे स्कैम कर सकती है? भाई मैं तो कस्टोडियन हूं, मैं बैंक हूं। अब अभिषेक जी आके मेरे को कहते हैं, विजय जी ये आपकी एक स्कीम है, मैं आपको 100 रुपए दे रहा हूं और बदले में मुझे आप इलेक्टोरल बॉन्ड का सर्टिफिकेट दे दो 100 रुपए का, मैं दे दूंगा, मेरा काम है बैंक, भारत सरकार ने मुझे मैंडेट किया है। अब आप अभिषेक हैं, ये तो मुझे तब पता लगेगा कि जब आप फॉर्म भर के देंगे कि अभिषेक इज आस्किंग फॉर 100 रुपए या 1 करोड़ रुपए का फॉर्म, मतलब कि इलेक्टोरल बॉन्ड। मैं तो उससे पहले आपको जानता भी नहीं था, आप है कौन? बिल्कुल। तो सवाल इस बात है कि इसमें SBI स्कैम में इन्वॉल्व है, ये लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम पर कल को तो आप बोलोगे यार पोस्टमैन ने थ्रेट लेटर भेजा है। अरे पोस्टमैन ने तो चिट्ठी डाली, अंदर क्या उसको क्या पता क्या है? कल को तो हर पोस्टमैन अगर कोई थ्रेट वाली चिट्ठी पहुंचा देता है तो आप तो बेचारे पोस्टमैनों को सबको जेल में करवा दोगे, देखो इसने धमकी दी और उसको क्या गलती। तो ये लॉजिक की बात है कि लोग समझ नहीं पा रहे, लेकिन ठीक है, एक जैसे कहते हैं ना कि मिसप्लेस्ड यूज या मिसयूज ऑफ द वर्ड आजकल स्कैम के साथ वो हो रहा है। तो आपके कहने का मतलब कुछ नहीं, एक राफेल पार्ट 2 है, या फिर चलिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो कुछ एंटरटेनमेंट के तहत दर्शक ले, लेकिन इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, जितना सीरियस हाइप क्रिएट करने का प्रयास किया जाए, राइट? बिल्कुल, इसमें कुछ है नहीं। देखिए अब क्या है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए, SBI को कहा कि आप सारे कागज जमा करा दीजिए। उन्होंने कहा जी आज तक 22,217 बॉन्ड उन्होंने इश्यू किए। अब 22,217 किसने किए, उन्होंने एक लिस्ट दे दी है। अब वो 22,217 में से 22,030 बॉन्ड रिडीम भी हुए। हाँ ठीक है, जब वो रिडीम हुए हैं बॉन्ड, अब उस बॉन्ड के नाम के आगे लिखा होगा कि बीजेपी, कांग्रेस, NCP, आम आदमी, जो भी है वो लिखा होगा। उन्होंने दूसरी लिस्ट दे दी कि आपने रिडीम कराया, ये ले लो। तो कहने का मतलब क्या है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर दो लिस्ट है, एक जिसने बॉन्ड खरीदा और एक जिसने रिडीम कराया। दोनों SBI ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इलेक्शन कमीशन को दे दी। अब इलेक्शन कमीशन 15 तारीख को उसको अपलोड करेगा। अब स्कैम है या नहीं वो 15 तारीख को लोग पढ़ के समझ लेंगे। चलिए ठीक है, सरदाना सर, क्लोज करते हैं इस नोट पर। सरदाना सर, आप हमसे जुड़े, आपने बहुत सिंप्लीफाई करके इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम या फिर चुनावी बॉन्ड स्कैम या रवीश कुमार द्वारा क्रिएटेड स्कैम, अजीत अंजुम, आरफा खानम शेरवानी, लाइन लंबी है, इन लोगों के द्वारा क्रिएटेड स्कैम है या वास्तविकता है, ये आपने दर्शकों को समझाया और आप हमसे जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम, वंदे मातरम।